हेलो दोस्तों, आज CDS 1 2024 की SSB डेट्स रिलीज़ हो गई है। तो आप जाकर के, अगर आपने पेपर क्लियर किया है CDS रिटर्न 1 2024 का, जाकर के आप अपनी SSB डेट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। और जिन भाइयों को अभी तक एक्चुअल में नहीं पता कि डेट सेलेक्ट कैसे की जाती है, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो पूरी देखिए, इसमें आपको पता चल जाएगा कि भी SSB डेट्स कैसे सेलेक्ट करनी है। आगे से आपको ऐसा करने में कभी तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो भाई, ये अपन आ गए हैं क्रोम पर। क्रोम पर आकर के यहाँ पे आपको सर्च करना है जॉइन इंडियन आर्मी, जॉइन इंडियन आर्मी डॉट NIC.in। ये सर्च आप कर लीजिए, गो कर दीजिए, तो आपके सामने आ जाएगी ये साइट खुलेगी जिसके ऊपर आपको कैप्चा कोड भरना है। यहाँ पे आप जो भी कैप्चा लिखा हुआ है उस कैप्चा को आप भर दीजिए। भर के दिखा देता हूँ मैं, 6C6। ठीक है, कैप्चा कोड भरते ही, एंटर वेबसाइट करते ही आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी। इस पे आप लोग को साइड में दिख रहा होगा ऑफिसर्स एंट्री अप्लाई लॉगिन, क्योंकि आप ऑफिसर्स बनने जा रहे हैं तो ऑफिसर्स एंट्री है आपकी। इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ से दबा दीजिए। ऑफिसर्स एंट्री लॉगिन पे क्लिक करते आपके सामने ये खुल गया पोर्टल, जिसके ऊपर आपको खुद के यूज़र नेम, खुद के पासवर्ड और कैप्चा कोड फिल करना है। उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप भर सकते हैं खुद के यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह और कैप्चा कोड भर दीजिए। यहाँ पे हमने भर लिए है क्रेडेंशियल्स, तो अब यहाँ पे अपन लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने ये इंटरफेस दिखेगा। इस पर आपको साइड माई प्रोफाइल, अप्लाई ऑनलाइन, हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन, हिस्ट्री ऑफ SSB अपीयर, चेंज पासवर्ड, जनरल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, फीडबैक क्वेरी, आधार वेरिफिकेशन एंड डेट सेलेक्शन लिंक आपको दिखेगा। साइड में आपकी इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है, रिसेंट डेट वगैरह। तो अभी आपको करना क्या है, डेट सेलेक्ट करनी है। तो डेट सेलेक्शन लिंक पर आप क्लिक कर देंगे, यहाँ से आपकी डेट्स खुल जाएंगी। करते हैं यहाँ पे क्लिक। डेट सेलेक्शन लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने ये खुल जाएगी जगह, जहाँ पर आपको जितनी भी एंट्रीज आपने आज तक दी हैं उन सबके कोर्स नेम और रोल नंबर वगैरह दिख जाएंगे। प्रीवियस जो SSB थे आप देख सकते हैं कि आपने अपीयर किया था वगैरह। अभी जो अपनी एंट्री है वो IAM 158 डायरेक्ट एंट्री है। तो इसके लिए अपन को जब चूज़ करनी है तो अभी यहाँ पे साइड में एक पेंसिल बनी हुई छोटी सी, इस पेंसिल को क्लिक करना और आपकी डेट सिलेक्शन लिंक खुल जाएगा। ठीक है, तो हम दबा देते हैं इस पेंसिल को। अब तो ये पेंसिल को दबाते ही हमारे सामने ये पोर्टल आ गया है दोस्तों, जहाँ पे हमारे पास सारे सारे जो डेट्स जो मेरे लिए अवेलेबल है वो मेरे को सामने दिख गई हैं, और आपके लिए जो अवेलेबल डेट्स होंगी वो आपको दिख जाएंगी सामने। तो देख लीजिए, यहाँ पे दिख रखा पूरी एंट्री लेकर के, 158 डायरेक्ट एंट्री, डायरेक्ट एंट्री लिखी हुई है। बैच नंबर लिखा हुआ है कि ये बैच नंबर आपके लिए अवेलेबल हैं। डेट्स आपकी जैसे फ्रॉम 30 to 3, ये 5 दिन, 2 से 6, 4 से 8, और ये जो क्या था मिट गया भाई मेरे से, तो 5 से 9 है ना। तो ये डेट्स आप चूज़ कर सकते हैं इनमें से कोई भी। और आपको ध्यान रखना है वहाँ पर सुबह 6 बजे वहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम होता है सभी एंट्रीज के लिए, चाहे आप डेट कोई भी हो आपकी। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेंथ वगैरह, तो स्ट्रेंथ टोटल स्ट्रेंथ इसकी 78 जनों बुलाया लगभग लगभग। तो ये 4 जो अवेलेबल हैं अभी डेट्स, इन चारों डेट पर 78 लोगों को उन्होंने कॉल किया है, कॉल लेटर जारी किया है, जिनमें से बाकी लोगों ने तो चूज़ कर लिया। 25 लोग ही बाकी हैं इस डेट के लिए, 41 लोग बाकी हैं इस डेट के लिए, 50 लोग बाकी हैं इस डेट के लिए, 55 लोग बाकी हैं। तो इसमें ये भी डिपेंड करता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट गेट वाला सीन होता है। यहाँ पर आप जाइए, जो पहले डेट सेलेक्ट कर लेगा उसको पहले वो डेट मिल जाएगी। जैसे मानिए यहाँ 25 लोग बाकी हैं अभी, ठीक है, तो जो 25 लोग हैं, अगर ये 25 लोग सेलेक्ट कर लेंगे तो ये जो सेलेक्ट वन वाली डेट है वो आपके यहाँ से गायब हो जाएंगी, फिर आप उस डेट को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल से शायद एक दो डेट्स और आई होंगी, 4 से ज़्यादा डेट्स आई होंगी, 2-3 डेट्स शायद, 2 डेट्स शायद और आई होंगी, तो लेकिन लोगों ने सेलेक्ट कर ली होंगी वो डेट्स पहले, तो अब यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो आप जाइए जल्दी से आपकी डायरेक्ट डेट सेलेक्ट कर लीजिए, इससे पहले कि आपकी ये डेट्स भी बिक जाएँ और फिर आपको वही डेट्स लेनी पड़े जो अवेलेबल हो। तो जो डायरेक्ट डेट आपको चूज़ करनी है उसके आगे आपको ये जो सेलेक्ट लिखा हुआ ना, इस सेलेक्ट को दबा देना है। ठीक है, सेलेक्ट दबाने के बाद क्या होता है मैं दिखाता हूँ आपको आगे। तो ये आर्मी की तरफ से एक छोटा सा मैसेज आया है कॉन्ग्रेचुलेशन का मेरे लिए, कि योर डेट चॉइस सेलेक्शन है सक्सेसफुल भोपाल के लिए 2 से 6 तारीख के लिए, तो डेट एंड टाइम पर आप पहुँच जाइए, रिपोर्टिंग सही टाइम पर कीजिएगा। ये उन्होंने मैसेज भेज दिया है। तो मेरी जो डेट्स है वो 2 से 6 तारीख के बीच की है, मतलब 2 से 6 तारीख के बीच में, 2 से 6 अगस्त जाऊंगा भोपाल,
अगर आप में से कोई भी सेम डेट चूज़ करने का इच्छुक है या फिर मुझसे मिलने का इच्छुक है तो आ जाना भोपाल भाई, मिल लेंगे, मीटअप कर लेंगे छोटा सा, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से मेरे से काफ़ी टाइम से कनेक्टेड हैं। सो एंड आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। वरना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जैसे भी आपको यूट्यूब रिकमेंडेशन देगा तब क्लिक कर देना, तब देख लेंगे, ठीक है। बाकी कर दो अगर लाइक अच्छा लगा है, और कोई आपके तरफ से कोई एडवाइस हो तो कमेंट बॉक्स में दसो, और कोई क्वेश्चन हो तो भी कमेंट बॉक्स में दसो, हमको हम आपके क्वेश्चंस सोल्व कर देंगे, ठीक है भाई लोगों। जय श्री राम।